Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think it will be an ethical dilemma also to say that I'm speaking after the governor, should I be doing that or not? But on that note, let me kick off. Jugnu Mohsin Sahiba, our President ACCA Sajid Sahib, Dr. Sayyid Ilahi Sahib, participants of this August gathering, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. When I was with Citibank, one of the essential courses which we did was the credit risk analysis. But as we went up the chain, they thought it will be very prudent to teach us about what franchise risk is. And that is the course which they invested mostly. So we went in Turkey and unse pucha ke ji, isme itna kya hai? Unne kaha ji, humne jo studies ki hain, wo dekha hai ki shareholder wagaira, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कंपनी का नुकसान तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो ऑपरेशनल लॉसेस नज़र आ रहे हों उसका एक इम्पैक्ट आता है शेयर प्राइस पर, वो मिनिमल है। बट जब आप उस कंपनी का रेपुटेशनल रिस्क की कोई खबर आती है तो द स्टॉक प्राइस प्लमेट्स एंड देयर इज हार्डली एनी चांस कि वो दोबारा उस चीज़ पर रिकवर करे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके फ्रेंचाइज रिस्क को, रेपुटेशनल रिस्क को क्रेडिट रिस्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझें और तरजीह दें। तरजीहात में तो एक, हम यूनिवर्सिटी में थे, आई वॉज एट मैकगिल इन कैनेडा, तो बहुत सारे दोस्तों ने सीएफए भी दिया। तो एक दोस्त माशाल्लाह वाज वेरी गुड एंड वेरी ब्राइट इन द स्टडीज एंड आई थॉट ही वुड पास द सीएफए विद फ्लाइंग कलर्स, और उसने भी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, एथिक्स पे फोकस करना भूल गया और एथोस में ही वो रह गया था। तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि शायद जो थोड़ा बहुत हमें पता है, दिस इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इट, बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। आई थिंक आर कंट्री टुडे इज़ विटनेसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। अकाउंटेबिलिटी की बात हो, एथिक्स की बात हो, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बात हो, तो ये हुकूमत जो है ये इसको अपनी मेन तरजीहात में इसको शामिल रखती है। वजह ये है कि वी फील दैट वी हैव बीन इलेक्टेड फॉर चेंज। इफ सब अच्छा था, इफ एवरीथिंग वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन आई थिंक दैट इज़ नॉट व्हाट द बैलेट बॉक्स हैज सजेस्टेड, एंड वी आर हेयर टू इंश्योर that we implement that change. So what we have been working on, I also want to take this opportunity, that our intent is clear. What we are working now on is the design phase, and we are very near completion of the design phase. And then the third leg comes in, which is the implementation leg of it, where there are other stakeholders, there the bureaucracy is involved. इस स्टेज में तो हम अपने बिजनेसमैन को भी शामिल कर रहे हैं और करते रहेंगे एज वी ग्रो फॉरवर्ड, बट इन दैट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इज ऑल्सो वे वी वॉन्ट टू हैव एन इंक्लूसिव अप्रोच, वी वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दैट। सो आई एम होपिंग दिस सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज कंटिन्यूज। आप सब ने, आगा साहब की मैं बात सुन रहा था, माशाल्लाह, दिस रेजोनेट्स विद ऑल ऑफ अस हु आर नाउ been given this responsibility. So we want to ensure that we give due weightage to all these things. And ethos and our social fabric and where we have reached and how we need to reverse things, this is all part of our larger grand plan of what we want to ensure as our mandate, as our agenda for the coming years. Bahut sare हम जिक्र करते हैं चीज़ों का कि बेंचमार्क्स क्या होने चाहिए इम्प्रूवमेंट के। उसमें इकोनॉमिक बेंचमार्क्स भी हैं, सोशियो बेंचमार्क्स भी हैं। तो मेरा तो ख्याल है एक ये बेंचमार्क भी ज़रूर होना चाहिए कि हमने
जो आज की तारीख में वाटर कूलर्स के साथ जो चेन के साथ लगा हुआ ग्लास है, वो भी देखें 5 साल बाद कि कितनी चेंज में कमी आई है और वो ग्लास वहीं मौजूद रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स आर कंसिडरेशन. करप्शन की इंडेक्स की बात की जाए तो द लास्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्लेस्ड पाकिस्तान एट द रैंक ऑफ 117 आउट ऑफ 180 कंट्रीज. इट इज़ इंडीड स्टिल वेरी shameful. It has been rampant. The lack of ethics and the slow erosion of our strong value system. As the finance minister, what concerns me is that unethical and corrupt practices have a direct impact on public trust in the capital markets and the businesses, and national reputation influences investor decisions. It is also directly impacts foreign investment coming into the country. Reputation matters, and ethics and public trust in institutions are at the forefront of how countries are perceived by potential investors. As far as the transformation is concerned, nothing can change with the bottom-up approach. It has to be top-down, and that has been the policy of this government. The austerity drive, even take that for example. It wasn't the actual impact of the selling of those cars which was going to fill the deficit. It was to communicate the message for the first time that we are wanting to revisit the contract between the state and its citizen. That this contract needs to be revisited. The days of the Raj are over. Opening the governor house to public is also a message in the same direction. The same governor pre-partition who used to serve here, वो यहाँ से जाते थे अपने 10 मरला या 1 कनाल के घर में जाके वापस सेट होते थे and used to live there. इसको इतना बड़ा बनाने की वजह, एक स्टेट और सिटीजन का डिफरेंस रखने की वजह ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में कुछ और थी. वी हैव टू डू अवे विद दैट मेथड. द पब्लिक अकाउंट ऑफिस पब्लिक ऑफिशियल्स हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड दैट इज the message which we have wanted to communicate by changing this social contract. Honest leadership keeps its house in order and uses actions instead of words to practice and promote ethics. And this is clearly demonstrated by, as I said, what our austerity measures also were reflecting. It took decades to erode the public trust on state institutions, and the process of rebuilding one step at a time is something that this government is committed to. We have a zero tolerance policy towards corruption and is aiming to establish a strong system of accountability. The concept of open government, which we believe in, encourages openness and transparency. The openness that the government promises ensures that any unethical practices are kept in check. Only when governments open and are transparent and more responsive to citizens when the real transformation actually takes shape. So in order to take that forward, we're going ahead with our Access to Information Act, with an effective communication strategy. In finance, we're introducing public finance fiscal management rules, debt rules, so that the government also keeps an internal checks and balances. And by the way, finance department didn't have these rules before. So we are going ahead with putting in safety valves in our own finance department as well. The bada interesting tha ki jab analysis kiya gaya to services sector jo aapki economy ka is waqt mere khayal se sabse bada hissa hai, usme ethical practices make the most difference. For example, choti si story thi ki ek taxi driver ne किसी के पैसे वापस कर दिए, एक होटल वाले के पास कोई चीज़ रह गई तो वो वापस चली गई. दिस थिंग्स ऑफ दे हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ योर सर्विसेज सेक्टर बिहेव्स एंड रिस्पॉन्स. आई थिंक ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इफ आर ऑडिटर्स फॉर एग्जाम्पल ट्राई कवरिंग अप अनएथिकल प्रैक्टिसेस, वेयर डज दैट लीव अस? A key component of being a professional is the ability to think beyond immediate benefits
and beyond narrow self-interest. And this was, I think, Almas Saab jiski baat kar rahe the ki myopic soch jo aapke tenure ki had tak hi aapki agar had nazar jati ho, so that means there is something to be desired, there is something missing in your policy making. In the end, I think I would just like to conclude with this one message, that if you have integrity, nothing else matters. If you don't have integrity, nothing else matters. Thank you very much.